सूत्र नंबर 1.36 विशोका व ज्योतिषमति। ये जो सूत्र है ये हायर लेवल योगीज के लिए है। ये क्या कहते हैं कि जो हम में सत्व का सत्व है उसके ऊपर अगर हम लोगों ने फोकस किया तो हमारा माइंड जो है वो मनस्थिति निबंधनी हो सकता है। अभी हम लोग नॉर्मल पीपल जो है हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करने के लिए कि हम में जो सत्व पॉइंट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि अभी हमारा माइंड सत्व है, अभी हमारा माइंड रजस है, अभी हमारा माइंड तमस है। कैसे? कि जब हम लोग एक बात सुनने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सत्संग में है या फिर कोई लेक्चर है, जब हम लोग उसको फुल्ली एब्जॉर्ब करते हैं वो लेक्चर को सारा का सारा, तो फिर हमारा माइंड तभी सत्व रहता है। जब हम एक लेक्चर में बैठे और हमारा माइंड किधर और है तभी हमारा माइंड रजस है। और फॉर एग्जांपल हम एक लेक्चर में बैठे और हमारा माइंड सो रहा है, हमें नींद आ रही है, तो हमारा माइंड तमस है। तो ये अवेयरनेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा टाइप का माइंड अभी डोमिनेंट है, वेदर सत्व इज डोमिनेंट इन द माइंड कि रजस इज डोमिनेंट कि तमस इज डोमिनेंट। हम लेकिन सत्व पे फोकस करना और उसके वजह से हमारा मनस्थिति निबंधनी होना, ये जो है ये हमें बहुत डिफ़िकल्टी करना है। तो ये हायर लेवल योगीज के लिए ये मेथड बताया गया है। कोई कोई जो है वो दिया जो है दिए के ऊपर, लैम्प के ऊपर, उसके फ्लेम के ऊपर मेडिटेट करते और वो फ्लेम याद करने की कोशिश करते, उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो क्वालिटी है इल्यूमिनेट करने के लिए। मीन्स अगर हम लोग डार्क रूम में लेके जाए तो लैम्प जो है वो वहाँ का जो एरिया है उसको प्रकाशित करता है। तो प्रकाश और नॉलेज ये जो है इसका हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत बड़ा स्थान है। और प्रकाश मतलब ज्ञान और ज्ञान मतलब प्रकाश, ऐसा इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऐसा टाइप का प्रकाश जो है उसको उसके ऊपर जब हम लोग फोकस करते हैं तो हमारा माइंड जो है मनस्थिति निबंधनी होता है, ऐसा पतंजलि कहते हैं।